हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसा कि आज हमने देखा कि मार्केट ने एक रेंज के अंदर ही काम करा, और जैसा कि मैंने आपको अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे बताया था कि गाइस किस तरीके से हमें 911,950 के आसपास हमें एक शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक रेंज का मिड पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें उस रेंज के अंदर देखने को मिलता है, तो एग्जैक्ट वही हुआ। आधे घंटे के अंदर शुरुआत में सबसे पहले हमने वही देखा, वो एग्जैक्ट हाई बनाया वहाँ पर, और वहीं से हमने गिरावट देखी और गिरावट अपनी दोबारा नीचे डाउन साइड वाली रेंज पर आ गई। तो ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्ट्रक्चर था, मैंने आपको कल डीपली अंडरस्टैंडिंग से सिखाया था कि क्या रेंज थी, क्या था, और अभी भी वो एग्जैक्ट बना हुआ है। तो गाइस, अगर आपको वो पुराना समझना है तो आप एक बार मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो जाके आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइस, अब जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कल क्या करना है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को हमें क्या करके चलना है, उसकी अगली वीडियो भी अभी अपलोड हो जाएगी, तो इस वीडियो के थोड़ी देर बाद, आज के आज ही, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये पर्टिकुलरली वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये हम सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर बना रहे हैं जो कल आप मंगलवार के दिन ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, सो गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको हर टाइम हर दिन आपको एक दिन पहले ही स्टॉक्स प्रोवाइड कराता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ये चीज़ें बन रही हैं, आप बाय करिए, एग्जैक्ट उसी तरीके से हमारे स्टॉक्स होते हैं, वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को कोई फालतू तरीके से ऐसी कोई स्टॉक बाय नहीं करवा देता हूँ, एग्जैक्ट उसके पीछे कोई एक रीज़न होता है, उसके पीछे कुछ एक वजह या पैटर्न होता है, तभी हम आपको एक वो पर्टिकुलर स्टॉक बाय करवाते हैं और वो आपको चार्ट्स में मैं दिखाता हूँ। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स मैंने आप लोगों को कल रिकमेंड करे थे आज बाय करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सबसे पहले आप अगर आप देखेंगे तो कोटक बैंक बाय की सलाह दी थी, 1619 पे बाय करा था, 1634 का टारगेट था जो कि अचीव हो गया था, 1611 का स्टॉप लॉस था जो कि हिट नहीं हुआ, सो प्रोबेबली हम एक बाय की तरफ ही चलेंगे और हमारा एक टारगेट हिट हो गया। डिविज लैब शॉर्ट की सलाह दी थी, 1738 पे, और अगर मैं आपको बताऊं 1751 का हमारा स्टॉप लॉस था। सो गाइस 1751 पे ही वो ओपन हुआ था, और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मेरी शायद परसों की वीडियो ही है, और उस पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा स्टॉप लॉस के आसपास खुलता है तो कोई ट्रेड नहीं लेना, और अगर वो हमारे दोबारा बाइंग रेंज या सेलिंग रेंज पे आता है तो आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो और वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो एग्जैक्ट इस लेवल पे खुला, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, जब वो दोबारा ऊपर से नीचे गिरते रहा और हमारे यहाँ सेलिंग प्रेशर के रेंज पे आया, तो उसी टाइम हमने अपने एक शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करी और हमारा टारगेट हिट हो गया। सो इसे भी हम एक टारगेट हिट ही मानेंगे। ल्यूपिन की बात करें, टारगेट हिट। SBI की बात करें, बहुत बढ़िया तरीके से आज SBI ने पूरी बैंक निफ्टी को संभाल के रखा था, तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक हिट काउंटर रहा था। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, तो आप मान के चलेंगे कि नॉट अचीव्ड का आया, क्योंकि वो भी अपने स्टॉप लॉस पे ही खुला था और दोबारा ऊपर बढ़ने की कोशिश करी, हमारा 216 का टारगेट था, 215 पॉइंट समथिंग तक कुछ गया, और दोबारा हम देखें कि हमारा स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश करी और कर गया। सो इसे हम एक स्टॉप लॉस हिट मान के चल सकते हैं, पर कुछ क्लाइंट्स ने तभी भी इसमें एक प्रॉफिट कमाया और मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, सो कोई बात नहीं, हम एक इसमें एक नॉट अचीव्ड का एक लेकर चल लेते हैं। अब कल कौन से ट्रेड में हमें काम करना है, इसी तरीके से आप लोगों को गाइज हम स्टॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, एक परफेक्ट उसके पीछे रीज़न होता है और उसका रिजल्ट होता है, वो हमेशा डेफिनेटली एक्यूरेट नहीं हो पाता पर एग्जैक्ट उसके आसपास आ जाता है। सो कौन से स्टॉक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भारती एयरटेल की, जो बाय करने की सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, एक दो दिन के पर्पज से भी बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, साइड बाय साइड अगर आप ये 15 दिन के लिए भी बाय करते हैं तो भी बहुत कम है, क्योंकि अब ये एक ब्रेकआउट जोन में है, बस एक दो दिन अगर ये एक ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेन कर लेता है, जो भी अभी आपको मैं चार्ट्स पे लेकर जाऊँगा और अच्छे से सिखाऊंगा। गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ गाइज, वो वीडियोज़ कम से कम तो 20-25 मिनट की बन जाती है, सो इसलिए जो मैं आपको चार्ट्स पे ए टू जेड ट्रेंड लाइंस बना के पैटर्न्स बना के एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उस पर अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैंने ऑलरेडी ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं, उस पर मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि क्या ये पैटर्न का नाम है, कहाँ टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, और आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो भी अच्छे तरीके से, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वीडियो भी शॉर्ट बनेगी।
सो जल्दी बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल, मैं आपको चार्ट्स भी लेकर जाके सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, ये पांच स्टॉक्स है, फिर चार्ट पर स्टडी करते हैं। भारतीय एयरटेल बाय 415, 421 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 401 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस के अंदर। गाइज ध्यान से मेरी बात सुनिया करिए, क्लोजिंग बेसिस के अंदर ही आपको एक स्टॉप लॉस जब बोला जाता है, यानी कि वो शैडो जितनी नीचे चले जाए, पर जब तक कैन जो बॉडी है वो उसके ऊपर बंद है तब तक हम ठीक है, कंफर्टेबल है। जैसे ही उसके नीचे बंद होती है तब हमें एक रिस्क मिलता है और तब हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये कुछ स्टॉक्स हैं पर्टिकुलर, एक पांच में से एक स्टॉक या दो स्टॉक ऐसे होते हैं जब मैं आपको बताता हूँ क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक मेंटेन करना है, क्योंकि हमें अपसाइड जो है वो अपसाइड है वो बहुत ज़्यादा मिल सकती है, और स्टॉप जो डाउनसाइड जो रिस्क है वो आपके लिए बहुत कम मैं लगा के रखा हुआ, इसलिए कह रहा हूँ स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस में रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करके चलने की सलाह, 98101 तक के टारगेट्स है और ऊपर के टारगेट्स भी मिल सकते हैं, वो हम बात करेंगे चार्ट्स पे। 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 96 का इसका सीएमपी है। उज्जीवन बाय करने की सलाह दी जाएगी 290-296 के टारगेट्स के साथ, आप उज्जीवन को बाय करके चल सकते हैं। 281.6 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और गाइस 286 का सीएमपी है, और सलाह आपको ये दी जाएगी कि 286 के ऊपर अगर कल सस्टेन करता है थोड़े टाइम के लिए, 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर सस्टेन करता है 286 के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिवली सस्टेन कर रहा है, सो गाइस एक बाय बन सकता है, और बाय बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 10 रुपीज़ 296 रुपीज़। वेदांता बाय करने की सलाह दी जाएगी 146, 149, 151 तक के टारगेट्स भी हम एज्यूम करके चल सकते हैं। 139 तक का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रख सकते हैं वेदांता के अंदर। टाटा स्टील बाय करना है आपको 408 रुपये, 408 रुपीज़ के आसपास, 410 की इसकी क्लोजिंग है। कल डेफिनेटली एक 3-4 रुपये की ये डिप दे सकता है जिस तरीके से बढ़ा है, और जैसे ही डिप मिलती है हमें एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर लेनी है फॉर अ टारगेट ऑफ 413 एंड 418। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है गाइज वो आपको 401 का मेंटेन करना है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आपको अच्छे तरीके से रिटर्न देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे देखते हैं पांचों स्टॉक्स के बारे में कि ये पांचों स्टॉक्स हमें क्या रिकमेंड कर रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर आया हूं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मैंने बताया था कि 98 और 101 का टारगेट, 101 का टारगेट, और मैंने आपको बोला था कि हायर लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा क्या बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते होंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप फॉर्मेशन बन रहा है, सेकंड शोल्डर इसे ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर का जो लो था वो लो था एग्जैक्ट 90.85, और जो सेकंड शोल्डर का लो बना रहा है वो बना रहे 90.75, तो 10 पैसे का ड्रॉप है, और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम शोल्डर्स बने हैं। तो हमें एज्यूम करके चल सकते हैं कि सेकंड शोल्डर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, वो भी यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा जो कि लेवल आपको दिखा रहा है 103। तो 103 हमारा एक अल्टीमेट टारगेट होगा, अल्टीमेट टारगेट इन द सेंस ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद। बट ये पैटर्न का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इस पैटर्न का नाम है बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यानी कि इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद अब देखते हैं एक डिप आती है, डिप आने के बाद वो यहाँ सस्टेन करके दोबारा एक ऊपर की तरफ अपमूव करता है, तो यानी कि हम एक दोबारा बाय पोजीशन बना सकते हैं, दोबारा होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 117। और ये है अल्टीमेट टारगेट, यानी कि अभी 96 पे काम कर रहा है, और यहाँ से मैं आपको 20 रुपये की मूवमेंट दे रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बाय करने के लिए। पर गाइस बैंक ये 117 रुपये इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको अपने जो टारगेट्स और स्टॉपलॉस बताए हैं वो 117 तक नहीं बताए, 103 भी नहीं बताए हैं, क्योंकि गाइस इन टारगेट्स को आने में टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो इसलिए हमें आपको ये चार्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पोजिशनल हैं तो आप होल्ड करके भी रख सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड मेरी तरीके से करते हैं तो गाइस आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सो एक ये बाय काउंटर मैंने आपको इसलिए दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं उज्जीवन पे। उज्जीवन पे मैंने आपको बाय की सलाह क्यों दी है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैं आपको अपनी पिछली 3 वीडियो से इसी पैटर्न के बारे में बताया जा रहा हूँ, सिखाया जा रहा हूँ कि ये एक पैटर्न का नाम है साइफर पैटर्न। गाइस ये साइफर पैटर्न है, और साइफर पैटर्न का यहाँ तक बियरिश साइफर पैटर्न है, पर बियरिश साइफर पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए, उस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए
एक पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ तक आना पड़ेगा जो ये 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल होता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अप मूव दे रहा है, जो हमारा एक अल्टीमेट टारगेट बनता है वो 305 रुपये का बनता है उज्जीवन के अंदर। पर अगर अभी हम लेकर चले तो हमारे लिए जो बीच में हर्डल्स हैं हम उसकी तरफ काम करेंगे। पहला हर्डल बनता है 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 290 का है, और सेकेंड हर्डल बनता है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 296 का है, जो कि मैंने आपको अपने स्टॉक्स के टारगेट्स पर ऑलरेडी दे रखा है, तो जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप देखेंगे कि ये कि रेंज के अंदर काम कर रहा था, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये कम से कम 10 दिन हो गए हैं ये रेंज के अंदर काम कर रहा था, और रेंज के अंदर से ने पर्टिकुलरली एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और आज पूरे दिन पे उसने इस रेंज के ऊपर ही क्लोजिंग दे रखी है। सो एक ये बाय बनता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं वेदांता की। तो वेदांता में पर्टिकुलरली कोई पैटर्न्स नहीं ड्रॉ कर हो रहे, पर मैं एक तरीके से देख पा रहा हूँ कि एक ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम टाइप एक पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पे इसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फर्स्ट सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम हम देख रहे हैं सपोर्ट लिया, एंड फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, और यहाँ से एक अपमूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिसका एक फाइनल टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है कम से कम अराउंड 160 या 158 के आसपास। पर हमारा पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 149 का होना चाहिए, सेकंड टारगेट हमारे लिए होना चाहिए 155 एंड देन 160 का टारगेट। ये गाइज आपको बीच, क्योंकि गाइज ये रेंज है, रेंज एग्जैक्ट आपको यहाँ लेवल तक लेकर नहीं जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर बाय पोजीशन बना लेते तो आप ये नहीं सोचते कि एग्जैक्ट मैं यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। आप देख सकते हैं कि बीच में ही वो रिवर्स करके और दोबारा आपके लेवल पर आ गया था। सो इसीलिए हमें अपने बीच लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है 143.5 की इसकी क्लोजिंग है, तो 150 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 155, यानी कि हर 5 रुपये का इंक्रीज होता रहेगा। तो उसी के साथ आप अपना हर 2 या 3 रुपये स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादातर बेनिफिट मिल जाएगा वेदांता के अंदर। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट यहाँ पर जब नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, अगली कैंडल जो बनी वो इस बड़ी सी रेड कैंडल के अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि एक इनसाइड बार बनी, एक इनसाइड कैंडल बनी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने एक बहुत तेज़ी से मूवमेंट देखी, और अगले दिन थोड़े टाइम तक हम देखते थे कि वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक पहुँच चुकी थी। तो जैसा कि आप सेम यहीं पर देख रहे होंगे, एक बड़ी सी कैंडल है, छोटी सी कैंडल इनसाइड बार बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह बनी, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एट अ मैटर ऑफ टाइम ये 160 के लेवल तक भी जा सकता है। और अगर आप देखेंगे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखेंगे, सो गाइज वो भी एक कप एंड हैंडल शोल्डर का एक कप एंड हैंडल अगर हम पैटर्न होता है उसका एक ब्रेकआउट देकर मेटल सेक्टर निकला है, तो वहाँ पर भी एक बाय बनता है। सो आज से इसलिए मैंने आपके लिए दो काउंटर चुने, एक वेदांता और एक टाटा स्टील, दोनों मेटल सेक्टर से आपके लिए मैं बाय लेकर आया था। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल की, जो बेस्ट स्टॉक मुझे लग रहा है और अभी तक बेस्ट काउंटर लग रहा है। बस मेरी मार्केट से ही, मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो गाइज मार्केट से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये बस दो दिन इस जो चैनल बना रखा है चैनल के ऊपर बंद हो जाए बुलिशली, और हम देख सकते हैं कि वहाँ से जिसकी अपमूव है कम से कम 100 से 150 पॉइंट तक की आप एग्ज्यूम करके चल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो चैनल इसने बना रखा है, आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि चैनल कितने टाइम का बना हुआ है चैनल को? गाइज ये पर्टिकुलर भारती एयरटेल, सबसे पहले आप चैनल को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि चैनल एक अपमूव की तरफ है। आप देख रहे हैं चैनल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में है। अब ये जो चैनल के अंदर भारती एयरटेल काम कर रहा है, ये चैनल के अंदर कम से कम 1 साल से काम कर रहा है। हाँ गाइस 1 साल हो गया है इस चैनल को काम करते हुए, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको ये कहना चाहूँ तो 1 साल 2018 के हम देख रहे थे कि दिसंबर 2018 के अक्टूबर से हम देख रहे थे कि ये चैनल ने शुरुआत करी, और उसके बाद से चैनल के अंदर था, और हमने देखा कल आज इसके अंदर पर्टिकुलरली एक ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, चैनल के बाहर क्लोजिंग देखने को मिली है गाइस। सो ये बेस्ट चीज है। चार्ट्स में अगर ऑप्शन डाटा को देखूं तो बहुत अच्छे तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और डाटा भी बहुत अच्छे से शो कर रहा है। बस मैं इतना चाहता हूं कि एक बार ये चैनल के ऊपर सस्टेन करे, और एक बार जो इसका प्रीवियस हाई यानी कि जो 420 का लेवल है, जैसी 420 का लेवल को ये ब्रेक करता है सस्टेन करने के बाद, और हमारी जो अपसाइड है गाइज वो अपसाइड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक है, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमें कह सकते हैं तो एक बियरिश मेजर्ड मूव पैटर्न है। आप देख सकते हैं मार्केट ने फॉल करी एक चैनल पे, और चैनल के बाद ब्रेकआउट दे दिया। सो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यूशन पैटर्न आता जब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता,
तभी एक बुले बियरिश मेजर्ड मूव है, पर उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो मान के चलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसे जो बियरिश पैटर्न्स होते हैं अगर वो उल्टी साइड ब्रेकआउट देते हैं तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि रेंज के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा ज़रूरी होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वो हाई था 545 और जो चैनल के अपर साइड की जो ये कैंडल है वो है कम से कम 355, यानी कि 200 रुपये की रेंज है। अगर मैं एज्यूम करके चलूँ तो यहाँ से कम ये 50% तक का एक रिट्रेसमेंट दे सकती है, यानी कि ये कैंड जो रेंज बनाई हुई है 200 पॉइंट की उसका 50% ये एज्यूम मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो कवर कर सकती है कम से कम एक महीने के अंदर, यानी 400 रुपये से वो 500 रुपये की मूवमेंट आराम से दे सकती है। यानी कि मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक मूवमेंट आराम से आपको देकर चली जाएगी। ये देख सकते हैं इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि एटा 2 महीने के अंदर अंदर ये इस रेंज के अंदर आपको भारतीय एयरटेल काम करते हुए देखेगा। अगर ये 3-4 दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, और एक खास बात और, जो रिस्की ट्रेडर्स नहीं है जो पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए सलाह यह है, मैं अगर वीकली चार्ट में जाता हूँ तो मैं वीकली चार्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये देख रही है जो आप कैंडल देख रहे हैं, कैंडल की जो बॉडी है बॉडी इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, तो यानी कि मैं चाहता हूँ ये जो पूरा हफ्ता निकलने वाला है पूरा हफ्ता इस अगर इस चार्ट के ऊपर इस बार के ऊपर बंद हो जाता है तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको 100 पॉइंट से 200 पॉइंट तक की रैली ये 2 महीने के अंदर दिखा देगा और बेस्ट काउंटर आपके लिए निकलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाटा स्टील के अंदर, तो टाटा स्टील पे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली इसने चैनल बनाया और चैनल का आज इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो एक हमारे लिए बाय बनता है। और मैंने आपको तभी कहा कि 410 पे इसकी क्लोजिंग है और 407 408 के आसपास मिले तो बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 420-425 का। अब मैं इसको आपको डेली चार्ट में लेकर अर्ली चार्ट में लेकर जाना चाहूँगा और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्रीवियस आपको लेकर चलता हूँ, आप देखिए टाटा स्टील एग्जैक्ट बिल्कुल चैनल के अंदर ही काम करता है और उसके बाद हम देखते हैं एक अपर साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है। चैनल देख सकते हैं कि पूरा चैनल के अंदर काम कर रहा है, इस लेवल से हमने एक ब्रेकआउट देखा, ये चैनल के अंदर काम कर रहा है उसके बाद हमने एग्जैक्ट इस लेवल से ब्रेकआउट देखा, ये चैनल के अंदर काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ब्रेकआउट देगा, ये चैनल के अंदर काम कर रहा है ब्रेकआउट देखा, चैनल के अंदर काम करके आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो यानी कि अब हमारे लिए एक ये बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, थोड़ी बहुत 4-5 रुपए की डिप देता है बाय करिए। पहला टारगेट हम जो लेकर चल रहे हैं वो पहला टारगेट कम से कम लेकर चल रहे हैं 416 से लेकर 424 तक का, और वो हमारा एक अल्टीमेट टारगेट होगा, शायद उसके बाद दोबारा एक रेंज बनाने की कोशिश कर सकता है। सो ये 5 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया गाइज, अगर आपको ये 5 स्टॉक्स पसंद आया तो ज़रूर इनको फॉलो करिएगा, और जो मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में भी बताया है जो चार्ट्स को सिखाया है उन्हें अभी भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो अभी भी बाय या सेल के लिए बने हुए हैं। आप इन लोगों को फॉलो करेंगे गाइज, मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे, डेफिनेटली आप प्रॉफिट टेकिंग में निकलेंगे। और गाइज मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ये जो भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इसमें से 5 में से 3 या 4 स्टॉक डेफिनेटली मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं अपने खुद के पास, और ये मेरे लिए पोजिशनल हैं, और पोजिशनल इन द सेंस वीकली बेसिस में या स्विंग ट्रेड है। और जो मेरे प्रीवियस स्टॉक्स जो मैंने आपको कल अपने चार्ट्स पे एक्सप्लेन करे थे वो मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली थी, कुछ अभी भी मेरे पास होल्ड हैं पर मैं ज़्यादातर एग्जिट कर चुका हूँ। मैं गाइज मल्टीपल लॉट्स में काम करता हूँ तो जब मेरे को मेरा, जैसे कि आपको मैंने बताया मेरे 2 या 3 टारगेट आपको बताते रहता हूँ, तो फर्स्ट टारगेट पे मैं कुछ लॉट्स एग्जिट कर देता हूँ, सेकंड टारगेट में कुछ, और थर्ड टारगेट में पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। सो इसी तरीके से अगर आप काम चलेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करते हुए निकलेंगे ज़रूर। सो इसी के साथ मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइस एक बात करिएगा, एक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी पसंद आई है कि नहीं आई है। और गाइस अगर आप ये स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गाइस मैं कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो पैटर्न्स आप लोगों को मैंने अभी तक सिखाए हैं कि और कोई पर्टिकुलर चार्ट्स में अगर पैटर्न्स बन रहे हैं ऐसे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना सकूँ, पर्टिकुलर स्टॉक्स पर भी वीडियो बना सकूँ, और ज़रूर मैं आपका क्रेडिट भी दूंगा वहाँ पर अपनी पर्टिकुलर वीडियो पर कि आपने मुझे ये स्टॉक की रिकमेंडेशन दी और मैंने वहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बनाई है। सो गाइस ज़रूर कमेंट सेक्शन को फुलफिल करिए, चार्ट्स की स्टडी करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, साइड बाय साइड लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ जिस पे आपके लिए मैं पेश करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस।